आज का ये जो मेरा वीडियो है इसमें मैं प्लेबॉय के ऊपर बात करने वाली हूँ। प्लेबॉय मतलब जैसे नाम ही अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, वो लड़का जो कि खिलाड़ी है, लेकिन क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं और ना ही फुटबॉल का चैंपियन, बल्कि वो लड़का जो कि किसी लड़की की फीलिंग से भली भांति खेलना जानता है, एक्सपर्ट है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि मेरे इस वीडियो में कहीं भी किसी भी बात को कोई व्यक्ति अपने ऊपर पर्सनली ना लेकर जाए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्सुअल एंड इमोशनल नीड किसी भी लड़के या लड़की को अंधा बना देती है, और ये प्ले बॉय अपने इसी सेक्सुअल नीड, अपने इसी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए किसी लड़की की फीलिंग से खेलते हैं और उसे मैनिपुलेट करते हैं, अपने सेक्सुअल पर्पस को सॉल्व करते हैं। ये प्ले बॉय जो होते हैं ये फिजिकली और इमोशनली अटैच नहीं होते, या ये कह लो ज्यादा टिकाऊ नहीं होते, क्योंकि ये भूख लगने से पहले ही अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। ये सॉफ्ट स्पीकर होते हैं, बातों के बादशाह होते हैं। ये किसी भी लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेड पर तो भली भांति उठा लेते हैं, क्योंकि वहां पर इनका भी पर्पस सॉल्व होता है, लेकिन बेड परफॉर्मेंस हो जाने के बाद इन्हें उस लड़की का नाम तक याद नहीं रहता, क्योंकि लिस्ट इनके पास बहुत लंबी होती है। प्ले बॉय का मतलब देखो साफ है, वुमेन, अल्कोहल एंड समटाइम गैम्बलिंग, वो सारी चीजें जो लाइफ में प्लेजरेबल होती है, मौज मस्ती देती है, वही इनकी प्रायोरिटी होती है। इन्हें किसी की इमोशन से, किसी की फीलिंग से कोई खास लेना देना नहीं होता। ये इमोशन नाम का मटेरियल इनके अंदर पाया ही नहीं जाता, खासकर लड़की के मामले में। अगर आप फुल टाइम मस्ती करना चाहते हो, चिल आउट करना चाहते हो, वाइल्ड होना चाहते हो, हैंग आउट करना चाहते हो, तो आपको इनकी कंपनी बहुत ही ज्यादा लुभाएगी। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर रिलेशनशिप की उम्मीद कर रहे हो, तो आपको सिर्फ बदले में टेम्परेरी हनीमून और हनीमून के बाद हार्ट ब्रेक गिफ्ट में मिलेगा। तो अगर आप इनसे सीरियस रिलेशनशिप की उम्मीद कर रहे हो, तो देखो ये टिकाऊ मटेरियल है ही नहीं। प्ले बॉय को सिर्फ सेक्स करना आता है, प्यार करना नहीं। इन लोगों को बस एक ही चीज समझ में आती है कि अब इस लड़की ने सेक्स के अलावा मुझसे और कुछ भी डिमांड करना शुरू कर दिया है, कमिटमेंट या और कुछ। तो उस वक्त उन्हें बस एक ही चीज समझ में आती है कि प्लेयर तो मैं हूं, लेकिन खेलना अब इस लड़की ने शुरू कर दिया है। अब ये सेक्स को टूल बनाकर मुझे यूज करेगी और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। बस हो जाते हैं गायब मौका देख के। अब है कि जो लड़के प्ले बॉय बन जाते हैं, इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है? तो देखो सबसे बड़ी वजह तो यही होती है, उनका शौक। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो शौकियाना मिजाज के होते हैं, मतलब उन्हें गोरी भी चाहिए, काली भी चाहिए, लंबी भी चाहिए, छोटी भी चाहिए, अमेरिकन भी चाहिए, चाइनीज भी चाहिए, सबकी लेनी है उन्हें। सभी को देखना उन्हें के अंदर से कैसी होती है, कुछ छोटा बड़ा होता है, काला सफेद होता है, क्या होता है, सबके मजे लेने हैं उन्हें। दूसरा रीजन, वो लड़के जिन्हें विरासत में बहुत कुछ मिल गया होता है और उनके बड़े बूढ़ों ने भी ज्यादा परवाह की नहीं होती, तो उनका माइंडसेट भी ऐसे ही तैयार हो जाता है कि यार मौज मस्ती करो, चार दिन की जिंदगी है, अपना उड़ाओ, ऐश करो। क्यों किसी कमिटमेंट और रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ते हो? लग्जरी माहौल में पले बड़े वो लड़के होते हैं, अथा संपत्ति होती है उड़ाने के लिए, सर्वाइवल कंडीशन से ऊपर उठे हुए होते हैं, अपने पेट को पालने के लिए उन्हें कुछ एफर्ट करने नहीं होते, उन्हें तो बस जो मेहनत करनी होती है बेड पर करनी होती है। देखो ऐसे कैसानोवा इमेज के लड़कों के लिए कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो पगलाई रहती हैं, सभी नहीं लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां जो ढूंढती है ऐसे लड़कों को जो उन्हें लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करा सके। तीसरा रीजन, अब देखो कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो प्यार में धोखा खाए हुए होते हैं, मतलब उनके दिल के 100 टुकड़े हो चुके होते हैं, तो अपने दिल के टुकड़े का बदला हर दूसरी लड़की से लेना शुरू कर देते हैं। इस बीच में उन्हें कोई लड़की ऐसी टकराती भी है जो उससे सच्चा प्यार करने लग जाए, लेकिन वो बिलीव नहीं करते, उनका विश्वास उठ चुका होता है, उन्हें बस यही लगता है ये सब छलावा है, फेक है, कुछ प्यार व्यार नहीं होता, तो इस वजह से भी वो प्ले बॉय बन जाते हैं। अब देखो इस प्ले बॉय में दो तरह की कैटेगरी भी पाई जाती है। पहला वो जो एक्चुअल में चीटर होता है, जो किसी लड़की के इमोशन से खेलता है, उसके साथ प्यार का नाटक करता है और बाद में मजे लेता है, और वो ये नाटक तब तक करता रहता है जब तक उसका सेक्सुअल पर्पस सॉल्व होता रहता है। लेकिन जिस दिन उस लड़की के दिमाग में हल्का सा शक का बीज आया, वो समझ जाता है, बाद में वो खुद से ही किसी ना किसी लड़ाई झगड़े के बहाने ब्रेकअप कर लेता है, दूर हो जाता है उससे। और जब बाद में उस लड़की को पता लगता है या इन फ्यूचर उसे खुद से भी एहसास होता है कि यार वो तो था ही प्ले बॉय, तब उसे खुद में अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस होता है, ये उस लड़की की सिचुएशन होती है उस वक्त।
अब कुछ प्ले बॉय देखो ऑनेस्ट भी होते हैं, मतलब वो अपने सेक्सुअल प्लेजर को सॉल्व करने के लिए किसी लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करते, वो प्यार का नाटक नहीं करते, पहले से ही अपने बारे में सारी चीजें बताकर चलते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो वो पहले इस बात को क्लियर करके चलते हैं कि देख मैं वन वुमन मैन नहीं हूं, तो मुझसे किसी सीरियस रिलेशनशिप की उम्मीद मत करना, किसी कमिटमेंट पे मुझे बांधने की कोशिश मत करना, और कल को अगर तुझे कोई लड़की मेरे साथ दिखे तो तेरे फेस के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए, जालस एटीट्यूड मुझे नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं तुझसे कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, कोई इमोशनल गेम तेरे साथ नहीं खेल रहा हूं। और देखो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि वो जो लड़की होती है उसकी ऑनेस्टी पे ही फिदा हो जाती है और उसे लगता है कि इससे बढ़िया लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। अब क्या है ना, वो प्लेबॉय जो है स्मार्ट है, हैंडसम है, बोल्ड है, सेक्स प्लेयर भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो ऑनेस्ट भी है, ट्रांसपेरेंट है। तो इसका ये जो ऑनेस्ट होना उसकी प्लेबॉय वाली इमेज पे भारी पड़ जाता है, वो प्लेबॉय जो उसका होना है वो फीका लगने लग जाता है उस लड़की को, उसे लगता है कि अगर मैं इस लड़के को चेंज कर दूं तो इससे बढ़िया तो पार्टनर मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। और यहीं से देखो उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसके लिए सीरियस हो जाती है, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाती है, पगलैट हो जाती है, वो लड़का कभी सीरियस हो ही नहीं पाता उसके लिए। अब क्या है ना, ये तो मूवी में ही होता है कि लड़का सुधर गया, लड़की ने उसको ऐसा प्यार में अपने पागल किया कि लड़का जो है वो बिल्कुल बदल गया, लेकिन आज के टाइम में ये होना ऐसा तो देखो 90s के टाइम पे ही हुआ करता था, आज के टाइम की अगर बात करो तो 100 में से 1% या ये कह लो आधा परसेंट ही पॉसिबिलिटी है कि कोई लड़का चेंज हो सकता है किसी लड़की के प्यार में अगर पड़ गया तो। लास्ट में देखो मैं यही कहूंगी कि लड़कियां जो है वो दिल से ज्यादा सोचती हैं, और एक बार धोखा खा जाए तो दिमाग से सोचना शुरू कर देती है। प्ले बॉय देखो उन्हीं लड़कियों के लिए सूट करेंगे जो खुद में ही प्ले गर्ल हो, अदरवाइज जो लड़कियां प्ले गर्ल नहीं है, इमोशनल है, जो लाइफ में एक रिलेशनशिप चाहती है, वो इस प्ले बॉय जैसे लड़कों से दूर ही रहें तो ज्यादा बेटर है। अपना टाइम ऐसे लड़कों के साथ ना वेस्ट करें, अपने दिल को मजबूत करें, इस तरह के रिस्क में ना पड़े। थैंक यू सो मच।